कोरोना संक्रमण के चलते कार्बी लामेतमाई के वार्षिक सम्मेलन भी स्थगित कर दी है। अब 15 फरवरी से होने वाले कार्बी यूथ फेस्टिवल की तैयारी में जूता तरह लंगसो, लेकिन कोविड और विवादों की साय में कैसा होगा कार्बी यूथ फेस्टिवल की आगाज, जानेंगे आज कार्बी यंगलोंग टुडे कवर स्टोरी में इसी की चर्चा। लेकिन इससे पहले हेडलाइंस। कोरोना संक्रमण के चलते कार्बी लामेतमाई ने अपने वार्षिक सम्मेलन को किया स्थगित। अब 21 जनवरी को नहीं आएंगे कार्बी यंगलोंग में पाबंदी। बुधवार को एक प्रमुख संदिग्ध ड्रग डीलर को खटखटी थाना अंतर्गत फुलबारी स्थित से पुलिस ने किया गिरफ्तार। 795 ग्राम की हीरोइन बरामद। और सेमीफाइनल मैच में कार्बी यंगलोंग मॉर्निंग स्टार एफसी ने शिलोंग लजोंग को 1-0 से दी शिकस्त। 18 जनवरी को खेले जाएंगे सीईएम गोल्ड कप का अंतिम आगाज। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज कार्बी यंगलोंग टुडे हिंदी में। स्वागत है आपका कार्बी यंगलोंग टुडे हिंदी में, मैं हूं सारिम टिसो। दुनिया एक बार फिर कोविड की नई वेरिएंट के संक्रमण की गिरफ्त में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनुमान जताया है कि अगले 1.5-2 महीनों में यूरोप की आधी आबादी ओमिक्रॉन की चपेट में आ सकता है। भारत में भी संक्रमण तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में 1,68,000 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वही कार्बी यंगलोंग में भी नाइट कर्फ्यू लागू कर दी है और तरा लंगसो में कार्बी युवा महोत्सव का काउंटडाउन भी शुरू हो गए हैं और साथ ही शुरू हो गए हैं कोविड की नए संक्रमण भी। लेकिन चर्चा सिर्फ कार्बी यूथ फेस्टिवल की नहीं है, कुछ और भी हो रहा है। विवादों की बात हम करेंगे, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि तरा लंगसो ओमिक्रॉन की साई में कार्बी यूथ फेस्टिवल का आयोजन कैसे करेंगे।